राम भक्त आंजनेय भक्त आंजनेय कार्य आंजनेय अभिवृद्धि ना टिप्पू संतानदर टिप्पू संतान यलबुर्ग जनत आंजनेय पूजे टिप्पुवीन भजने आंजनेय पूजे टिप्पुवीन भजने टिप्पु भजन का ओडिस्तीरो संकल्पवी राज्य के टिप्पु संतान बेका राम भक्तर बेका आंजनेय भक्तर बेका आंजनेय पुण्य नेल सवाल ने टिप्पु प्रीति उलिबारदु रामन भजने अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मुसलमानों के मुल्क में क्या हालत है सभी जानते हैं। कई सारी तब्दीलियां देखने को मिल रही और खासकर मुस्लिम समाज कैसे शेख अपना अपना देख वाली ज़हनियत में मुब्तला है वो देखा जा रहा है। हर कोई अपने हिसाब से जीना चाहता है। कहीं पर भी मुसलमानों में आपको इज्तमाइयत नजर नहीं आती। खैर मुसलमानों की हालत पर जितना भी बोले कम ही है। उसी तरह ईसाइयों और दलितों की भी हालत कुछ ज्यादा अलग है, ऐसा नहीं है। भारत में मुख्तलिफ रियासतों में दलित ईसाइयों पर भी हमले वो थे देखे जा रहे हैं। लेकिन दलित हो या ईसाई या फिर मुसलमान अपनी अलग अलग जंग लड़ रहे हैं। अब इन फिरका परस्तों के खिलाफ जंग क्या, आवाज भी उठाने की हिम्मत किसी भी समाज में नजर नहीं आ रही। मुसलमानों में तो अब भाजपा के करीब जाने वाले मुफाद परस्त मुसलमानों की फहरिस्त भी बढ़ती जा रही है। खैर पहले आज मध्य प्रदेश की उस वारदात पर पहले बात करते हैं जहां बजरंग दल की जानिब से चर्च में आग लगाई गई और चर्च में राम लिखा गया। इसी तरह हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले अनुप जलोटा ने छठी शादी करने की भी खबर हासिल है। इसी तरह मुंबई में सकल हिंदू समाज के नाम से हिंदुत्ववादियों की तंजीम ने मुसलमानों के खिलाफ नई आवाज उठाते हुए राम मंदिर के करीब मुस्लिम कब्रस्तान के खिलाफ आवाज उठाते हुए लैंड जिहाद का नाम दिया है। इनका कहना है कि मुसलमान लैंड जिहाद के जरिए हिंदुओं की जमीन को इंक्रोचमेंट कर रहा है। इस वक्त सैकड़ों हिंदुत्व तंजीमों के नौजवानों ने मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी फरमाई। जन आक्रोश आंदोलन के नाम से इस तरह के एहतजाजों का एहतमाम अब किया जा रहा है। कर्नाटक की सबसे अहम खबर यह है कि टिपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को लेकर बार बार कुछ न कुछ अनाप शनाप बकने की एक आदत कर्नाटक में देखी जा रही है। खासकर भाजपा हिंदुत्ववादी बजरंग दल आरएसएस इसमें पेश पेश रहते हैं। इनको कभी मस्जिद आला के नीचे मंदिर नजर आता है तो कभी टिपू सुल्तान हिंदू विरोधी लगने लगता है। खैर टिपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह दूसरे क्या चाहते हैं वो हमें मालूम नहीं, लेकिन टिपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ना सिर्फ कर्नाटक के बल्कि पूरे मुल्क की शान है और पूरे मुल्क के मुसलमान ही नहीं तमाम भारतीयों को फख्र करने की वो शख्सियत है। टिपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वालों को अब जिंदा नहीं रहना चाहिए, ऐसा भाजपा लीडर की जानिब से कहा है। यह बयान भाजपा के लीडर नवीन कुमार कटील ने दिया है। कप्पड़ के यलबुर्गा पंचायत शहर में भाजपा हिमातों से मुखातिब होते हुए अपने जहरीले बोल बोलते हुए कहा कि टीपू सुल्तान के हिमायतों और चाहने वालों को जिंदा नहीं रखना चाहिए। हम भगवान राम भगवान हनुमान के भक्त हैं। हम भगवान हनुमान की प्रार्थना और पूजा करते हैं और हम टीपू की नस्ल से नहीं है, यानी कि उनसे उनके वंशज से नहीं। आइए टीपू के वंशज को घर वापस भेजेंगे कहा। कर्नाटक हनुमान की जमीन है या हनुमान और विजयनगर की पूजा करने की बजाय टीपू सुल्तान की हिमायत की जा रही है। जो भी हो टीपू सुल्तान की हिमायत है, इनसे मोहब्बत करता है, इन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं, ऐसा कहने की जुरत इस नवीन कुमार कटील ने की है। आने वाले चुनाव टीपू बनाम सावरकर है, अभी आपको यह फैसला करना है कि आप किसके साथ जाएंगे। टीपू सुल्तान चाहने वालों को मार दे और इन्हें जंगल में खदेड़ दिया जाए, ऐसा भी कहा। अब क्या इन तमाम बातों को महज चुनावी जुमला कहकर खामोश रह जाना सही है? जिस टीपू शहीद ने सिर्फ मुल्क की सतह पर नहीं बल्कि आलमी सतह पर अंग्रेजों के खिलाफ लोहा मनवाया, आज उसके खिलाफ कहने की हिम्मत आज इन फिरका परस्तों को करते हुए देखा जा रहा है। मुसलमानों में कथित सेक्युलर लोग अभी ये भी कह दें कि ऐसे बयान पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए, लेकिन क्या कोई भी जो चाहे बयान दे इस पर मुसलमान खामोश बैठा रहे? जैसे पहले हमने कहा था कि मुसलमान दलित और ईसाई के मसले भले अलग अलग हो सकते हैं लेकिन निशाने पर इन हिंदुत्ववादियों के ही है, इसे समझने की जरूरत है। इस मुल्क की एकता अखंडता को बचाने के लिए नवीन कुमार कटील जैसे जहले बोल बोलने वालों के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ना चाहिए। अरशद मन्नी ने सही कहा गलत कहा इस पर बहस हो सकती है, लेकिन कैसे एक नैरेटिव चलाने की कोशिश भाजपा अरशद मन्नी को भी लेकर
और फिरका परस्तों की जानिब से की जा रही है, इसे भी समझने की जरूरत है। और पूरे मुल्क की सतह पर देखा जाए तो अलग अलग रियासतों में इस तरह की वारदातें रोजाना पेश आ रही है। आज मध्य प्रदेश का ही ले लीजिए, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरा में चर्च में उस वक्त आग लगाई गई जब यहाँ कुछ ईसाई जमा हुए थे और अपनी इबादत कर रहे थे। ये इलाका आदिवासी के तौर पर भी जाना जाता है। अब तक पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, हो सकता है इन्हें वो मुजरिम मिल भी ना जाए, क्योंकि जब किसी चर्च या मस्जिद पर हमला करते हैं तो वो जल्दी पुलिस के पकड़ में नहीं आती। लेकिन जिस तरह चर्च में राम लिखा है तो किस समुदाय के लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है, समझने के लिए बहुत ज्यादा इल्म की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अगर भाजपा या हिंदुत्व तंजीमों के कारकुनान काम को अंजाम देते हैं तो पुलिस को मुजरिम जल्द पकड़ में नहीं आता। खैर, बात टीपू सुल्तान की है, बात उस शख्स की है जिसने इस मुल्क खातिर सब कुछ निछावर किया, यहाँ तक कि अपने बच्चों को गिरवी रखा। टीपू सुल्तान की हुब्बुल वतनी यकीनन वो लोग समझ ही नहीं सकते जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की हो, और सिर्फ माफीनामे ही नहीं दिए बल्कि गुलामगिरी की, बल्कि कई मुजाहिद आजादियों को फांसी पर चढ़ाने के लिए इन्होंने अदालतों में गवाही तक पेश की। आजकल नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि कोई भी कुछ भी कह देता है। सभी जानते हैं कि सावरकर को माफी वीर के नाम से जाना जाता है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सावरकर जिसने अंग्रेजों के सामने 6 बार माफी मांगी और माफीनामा लिख कर दिया और ये दस्तावेज मौजूद भी है, उसका मुकाबला टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह से करना कहां तक सही है? टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ उठने वाली वाहिद तलवार थी और पहली तलवार थी। टीपू ने गुलाम कौमों को आजादी का सबक सिखाया। टीपू शहीद के बारे में बारहा बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन आज भी अंग्रेजों के गुलामों से टीपू से नफरत देखी जा रही है। कहते हैं जब टीपू जिंदा थे तो फिरंगी परेशान थे और अब संगी परेशान है। सवाल उठता है कि आखिर मुसलमानों के बारे में, मुगलों के बारे में, मुस्लिम मुजाहिद आजादियों के बारे में, यहां तक के टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ भी कह दे, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या संविधान जिंदा नहीं है? क्या कानून जिंदा नहीं है? क्या अदालतें जिंदा नहीं है? टीपू सुल्तान सिर्फ कर्नाटक की नहीं बल्कि मुल्क की शान है। टीपू सुल्तान ने दुनिया को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, यहां तक के नासा में तस्वीर टीपू सुल्तान की लगाई गई है, मुल्क के दस्तूर में तक टीपू सुल्तान की तस्वीर है। पर जब इस संघी विचारधारा के लोगों की हुकूमत आई है, इन्हें मुसलमानों और मुगलों से और मुस्लिम नुमा शहरों के नाम बदलने के, गांव के नाम, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों के नाम बदलने की जल्दी देखी जा रही है। बजाय भाजपा सरकार खुद कोई गांव नया बनाकर उसको अलग से नाम दे देता, लेकिन बजाय नए गांव बनाने के वही पुराने गांवों के नाम बदलकर अपना नफरती एजेंडा चलाने की कोशिश में देखा जा रहा है। लिहाजा चुनाव के नजदीक नफरती गिरोह और भी ज्यादा सरगर्म होते दिखाई दे रहे हैं। कोई भी फर्जी बाबा अपनी जान बचाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते हुए देखा जाता है और अपनी ऊपर की मुसीबत मुसलमानों पर थोप कर चर्चा में भी रहता है। हाल ही में अडानी ने भारत को हजारों लाखों करोड़ का चूना लगाया, भारत की मईशत के कैसे 3-13 किए, लेकिन जब मामला आगे बढ़ने लगा तो भारत पर ही हमला कहते हुए राष्ट्रवाद की आड़ में अपने आप को बचाने की कोशिश की। लिहाजा आवाम महंगाई बेरोजगारी पर सवाल पूछे इससे पहले मामला टीपू सुल्तान हिजाब अजान हलाल मस्जिद के नीचे मंदिर की कहानियां परोसी जा रही है, ताकि आवाम को अनाज के महंगाई से लेकर डीजल पेट्रोल के बढ़ते भाव पर तवज्जो दे, हिंदू मुसलमानों के लड़ाई में कूद पड़े। आज फिर से भाजपा हिंदुत्ववादियों ने टीपू सुल्तान के हिमायतों को मार भगाने की बात कहकर फिर से आवाम के जहनों को मोड़ने की कोशिश की है, एक बार फिर मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। दरअसल वैसे देखा जाए तो तमाम भारतीयों को गुस्सा आना चाहिए, लेकिन जब मामला हिंदू और मुसलमानों में बांट ही दिया है तो आप सिर्फ मुसलमानों के ही जज्बात को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, भाजपा लीडर ने की है, लेकिन यह भी बात उतनी ही सच है कि मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेहिसी भी मुसलमानों की इंतहा पर है, ये भी कहना गलत ना होगा। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। कर्नाटक चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम मुद्दा ही अहम नहीं है, बल्कि अब नया नया जातियों का समीकरण भी आता जा रहा है। जहां पंचमशाली इजलासों के जरिए पंचमशाली लिंगायत की बात कही गई तो अब कुमार स्वामी भी ब्राह्मणों की साजिशों पर बात कर रहे हैं। कर्नाटक के ब्राह्मण अमन पसंद है कहते हुए कुछ तफरका डालने वाले ब्राह्मण है, ऐसा इन्होंने कहा है। वाज़ा रहे कि अगर भाजपा जीत दर्ज करती है तो प्रहलाद जोशी को वजीर आला बनाया जा सकता है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। लिहाजा इस पर बोलते हुए कुमार स्वामी ने कहा कि वह यानी जोशी ब्राह्मणों के एक मखसूस तबके से ताल्लुक रखते हैं जो पेशवाओं से जुड़े हैं और जिसने श्रृंगेरी मठ तबाह कर दिया था।
यही वो तबका है जो महात्मा गांधी की हत्या में भी शामिल था। वे कर्नाटक के पुराने हिस्सों यानी दक्षिण जिलों के ब्राह्मणों की तरह नहीं है, उन्हें देशस्थ ब्राह्मण कहा जाता है और वह जोशी उसी गिरोह का हिस्सा है। हमारी तरफ दक्षिण जिले के ब्राह्मण सर्वे जना सुखीनो भवंतु में ही भरोसा करते हैं, ऐसा कहा। उनके इस बयान पर भाजपा और अहम ब्राह्मण मठों समेत तमाम ब्राह्मण तबकों की तरफ से तीखे एतराजात दर्ज किए जा रहे। वाजा रहे कुमार स्वामी या देवेगौड़ा श्रृंगरी मठ से भी ज्यादा आदि चुनचुंगरी मठ के भक्त माने जाते हैं, जो वक्कलिगा का मरकज कहा जाता है। जोशी और ब्राह्मणों पर हमला कुमार स्वामी का सियासी इकदाम भी कहा जा रहा है। सड़क हादसे में दो सगे भाइयों की मौत। हासिल इत्तला के मुताबिक चिक्कोड़ी से गोकाक सिंधी कुरबेट की तरफ मोटरसाइकिल पर दो भाई जा रहे थे। चिक्कोड़ी बेलकुट गेट के करीब कार को ओवरटेक करते वक्त सामने से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल से जोरदार टक्कर हुई, जिसमें दोनों भाइयों की जगह पर ही मौत हो गई। मामला चिक्कोड़ी पुलिस थाने में दर्ज है। आज खड़े बाजार के दुकानों के सामने एनक्रोचमेंट जो किया गया था उसको पुलिस की जानिब से और कॉरपोरेशन की जानिब से हटाया गया। इस एनक्रोचमेंट पर दुकान वालों ने नाराजगी का इजहार किया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।